अगर आपके पास इनके पुष्ट दूध नहीं है तो आप इसमें बेसन इस्तेमाल करें या फिर आप चावल का आटा इस्तेमाल करें। दूसरी चीज हमें चाहिए एक चम्मच टमाटर का पेस्ट, थोड़ा सा और मैं ये सारा इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके बाद जो हमें इसमें तीसरी चीज चाहिए वो है मैदा, एक चम्मच या डेढ़ चम्मच। इसको पेस्ट की शक्ल में लाने के लिए आपको जितने पाउडर की जरूरत पड़ेगी वो आप इसमें मैदा शामिल कर दीजिए। और अगर आप कुछ दूध की जगह पे बेसन इस्तेमाल कर चुकी हैं तो मैदा को इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और मीठा सोडा दो ऑप्शनल चीजें हैं। आप अगर मीठा सोडा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल करूंगी जो आपको मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगा। आधा चम्मच मैं लूंगी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती चलो कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसको पेस्ट बनाने के लिए लिक्विड की जरूरत पड़े तो आप इसमें कच्चा दूध या दही मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करूंगी, आप चाहे तो दही मिला सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में जो बेल का आइकन बनेगा उस पर भी आपने क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो अपलोड हो जाए और आपको मैसेज नहीं मिले। बेल आइकॉन पे क्लिक करने से मेरी वीडियो जैसी अपलोड होगी आपको मैसेज मिल जाएगा। और हम हफ्ते में 7 वीडियो अपलोड करते हैं यानी डेली की न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पेस्ट जब बिल्कुल बन जाए तो फाइनली हमने इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है शहद। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप शहद का इस्तेमाल नहीं करें, आंखों पे आप शहद को लाजमी इस्तेमाल करें। ऑयली स्किन वाले शहद को स्किप कर सकते हैं। बाकी की चीजों में भी तकरीबन सबका मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास नहीं हो तो उसका अल्टरनेट आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली हमारा पेस्ट रेडी है। मुझे ये जरा पतला लग रहा है तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा मैदा और मिला सकते हैं, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैदा और मिलाऊंगी ताकि इसको अप्लाई करने में आसानी हो और इसकी क्लियर बन सके। और साथ ही बताती चलूं कि इसे आप अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज का आपने इसमें इस्तेमाल कम करना है, वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर आप चेहरे पर इस्तेमाल कर रही हैं तो आप इसमें सिर्फ 10 ड्रॉप्स यानी कि 10 कतरे हाइड्रोजन परऑक्साइड की मिलाएं, बाकी चीजें यही होंगी। अब इसको आपने अपने हाथ के ऊपर अप्लाई कर लेना है। आप इसे अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका तरीका मैं बता चुकी हूँ। अच्छी तरह से आपने इसे अप्लाई करना है और इसको खुश्क होने के लिए हमने छोड़ना है, वो टाइम होगा 25 मिनट। अगर आप चेहरे पर भी अप्लाई करेंगे फिर भी आप इसको 25 मिनट देंगे फॉर इंस्टेंट रिजल्ट यानी फौरी रिजल्ट्स पाने के लिए। आप देख सकते हैं ये ड्राई हो गया, मैंने 25 मिनट इसको लगाए रखा है। अब फाइनली मैं इसको वॉश करूंगी। वॉश करने के बाद तो फौरी रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम आपको हैंड ड्राई करके भी इसका रिजल्ट दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हैंड ड्राई कर लेने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। आप चाहे तो इसे हफ्ते में 4 बार दोहरा सकते हैं। मेरे राइट हैंड की नस्बत आप लेफ्ट हैंड को देखिए, काफी फ्रेश और ग्लोइंग है। आप इसको हफ्ते में 4 बार अप्लाई करिए, बेहतरीन रिजल्ट पा लेने के बाद आप इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार दोहरा लीजिए, काफी है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती